उजागर देश में अय्यूब नाम का एक धर्मी व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का परम भक्त था और उसके पास ढेर सारी संपत्ति, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे और सेवक थे। उसके 10 बच्चे भी थे। अय्यूब उस देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के बीच शैतान भी आया। परमेश्वर ने अय्यूब की ईश्वर भक्ति की प्रशंसा की। इस पर शैतान ने कहा कि अय्यूब सिर्फ इसलिए आपका भक्त है क्योंकि आपने उसे इतना कुछ दिया है। अगर आप उससे सब कुछ ले लें तो वह आपको कोसेगा। परमेश्वर को अय्यूब पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने शैतान को अय्यूब को परखने की इजाजत दे दी, लेकिन यह शर्त रखी कि वे अय्यूब को जान से न मारें। शैतान ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने सभी लोगों को अय्यूब के जानवरों पर हमला करने के लिए उकसाया। फिर उसने अय्यूब के बच्चों के रहने का घर गिरा दिया, जिससे वे सब मारे गए। एक के बाद एक करके अय्यूब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और उसके बच्चे भी उससे छीन लिए गए। लेकिन अय्यूब टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्यवाद के योग्य है। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। इससे शैतान और ज्यादा भड़क गया। उसने अय्यूब को भयंकर बीमारी से ग्रस्त कर दिया। अय्यूब पूरे शरीर में घावों से भर गया और वह बहुत कष्ट में था। उसकी पत्नी ने भी उससे कहा कि वह परमेश्वर को त्याग दे और मर जाए। लेकिन अय्यूब ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। उसने दृढ़ता से कहा, क्या हम सुख को परमेश्वर के हाथ से ग्रहण करेंगे और दुख को ग्रहण न करेंगे? अय्यूब ने अपने 3 मित्रों से भी मुलाकात की। उन्होंने अय्यूब को यह समझाने की कोशिश की कि उसके दुख उसके किसी गुनाह की वजह से आए हैं, लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने कोई पाप नहीं किया है। बहुत दिनों तक अय्यूब ने अपने कष्टों को सहते हुए परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखा। आखिरकार परमेश्वर ने स्वर्ग से अय्यूब से बात की। परमेश्वर ने अय्यूब को यह नहीं बताया कि उसके दुखों का कारण क्या था, लेकिन उन्होंने अय्यूब को अपनी महानता और सामर्थ्य का दर्शन कराया। अय्यूब ने परमेश्वर के वचनों को समझा और अपनी कमियों का एहसास हुआ। उसने परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। इसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को दुखों से मुक्त किया और उसे पहले से दुगुनी संपत्ति और बच्चे दिए। अय्यूब बहुत लंबा जीवन जिया और उसने परमेश्वर की उपासना जारी रखी। अय्यूब की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि मुश्किलों के समय भी हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए।